जन जन की आवाज़ जी एन भारत में आपका स्वागत है। और राजभवन के समीप एक धरना चल रहा है जिसमें ये पार्टी है, आप देख सकते हैं, झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग संघ, और इनकी कुछ मांगे हैं सरकार को लेकर। आइए जानते क्या कुछ मांगे आज आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन तक आप लोगों ने कहा है, क्या आप लोगों की मांगे? जी नमस्कार, सबसे पहले कि आप जो है कि हमारे मुद्दों को है कि जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद हमारे संगठन की ओर से। मैं मुख्य रूप से समझाना ये चाहता हूँ कि हम लोग 22 जून से यहाँ बैठे हुए हैं, आज 11 दिन होने वाला है, और हम लोग जो है कि 5-7-10-15 अभ्यर्थी जो है कि हमेशा यहाँ बैठे रहते हैं। मैं आपके माध्यम से मामला को जो है कि सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा मुख्य मांग क्या है। राजनीति विज्ञान विभाग आपका जो है कि समाज शास्त्र, उसके बाद दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें शिक्षक बहाली आज तक 22 वर्षों में नहीं लिया गया है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब तक शिक्षक बहाली नहीं लिया गया है। सबसे पहला मैं सरकार से ये प्रश्न करता हूँ, सभी से, मैं जितने भी न्यूज चैनल में सबसे प्रश्न करता हूँ, आपसे भी प्रश्न, ये आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न करता हूँ, शिक्षा मंत्री से प्रश्न करता हूँ कि अगर वर्तमान समय में समाज शास्त्र में जैसे इन विषयों के अगर शिक्षक नहीं हैं, कुछ दिन पहले आर्ट्स का जो रिजल्ट घोषणा किया गया झारखंड काउंसिल एकेडमी के द्वारा, शिक्षा मंत्री का अखबार के माध्यम से ये जो है कि बयान आता है कि नहीं 97.4% जो है कि छात्र पास कर गए, अभी जितने 22 वर्षों में सबसे अधिक अभी इंटर के मतलब छात्र पास किए हैं, बहुत बढ़िया, जो पास किए उनके मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मैं प्रश्न ये बनता है कि जब पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस से विषय में शिक्षक नहीं हैं तो इनको पढ़ाता कौन है? दीदी आप अगर बैनर को देखेंगे या हम लोग जो बैनर लगा रखे हैं, हमारे पास प्रमाण है, हम लोग ने PIL किया है, PIL नंबर भी पीछे लगा हुआ है, हम लोग ने PIL 2016 में किया था, उसके बाद जो है कि 2018 में हम लोग ने केस भी जीता, खंडपीठ जो है कि ये आदेश दिया सरकार को कि आप इन विषयों का पद जितना जल्द से जल्द होगा आप सृजित करें, और सरकार जो है कि खंडपीठ या आपका उच्च न्यायालय के आदेश का भी अवहेलना कर रही है। हम लोग ये पूछना चाहते हैं संपूर्ण जनता से, या झारखंड की जो भी जनता देख रही है, सुन रही है, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार हाईकोर्ट से बढ़कर के हो गई है? क्या हमारा मौलिक अधिकार का हनन करने का क्षमता सरकार के पास है? क्या मान लीजिए कि राइट टू एजुकेशन की जो बात की जाती है क्या वो समाप्त हो गया है? जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा लगाती है क्या उसका ये हो सका है? आज हम लोग, दीदी मैं आपको बताऊं कि मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ, हम लोग शोधार्थी हैं, हमारे पास जो भी बैठे हुए हैं सब जो है कोई BEd के छात्र हैं, कोई PG, कोई BEd प्लस MEd के छात्र हैं, और हम लोग जो है कि आज 11 दिनों से सड़क पर जो है किस अवस्था में बैठने के मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर आज अगर इस पर हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे, जाकर के शिक्षा मंत्री जी से लोग मिले थे, हाँ, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो एक वर्ष पहले हमारे साथी गए थे उनका कहना था कि पॉलिटिकल साइंस वो काची है, ककरा को थी पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा मंत्री ही पूछे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, काची वो पॉलिटिकल साइंस, तामीन शिक्षा मंत्री के बताओ ये कि पॉलिटिकल साइंस ओकरा कहल जा कि जहाँ हम बैठल ही हो तो राजभवन के अंदर जे मंत्री और संतरी, चाहे विधायक चाहे मुख्यमंत्री, जितना शपथ लवो थी ने वो शपथ जे लवो थी वो पॉलिटिकल साइंस के भाषा रो है, वो पॉलिटिकल साइंस का ही भाषा है। डमना है कि आपको ये शिक्षा मंत्री को समझाना पड़ रहा है और फिर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। दीदी सबसे उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि आप जो है कि मुद्दा को मेरे सामने रखिए, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। अब तक क्या प्रयास हुआ? कुछ प्रयास नहीं हुआ दीदी, वो कहते हैं कुछ दिन पहले हम लोग प्रभात खबर में देखे थे, उनका कहना था कि नहीं समाज शास्त्र के कुछ विषयों को जब हम लोग बैठे तब उनका कहना था कि नहीं समाज शास्त्र के कुछ विषयों को हम लोग शामिल करेंगे। अरे भाई आप स्पष्ट कीजिए ना कि उन किन विषयों को आप शामिल कर रहे हैं, किस तरीके से शामिल कर रहे हैं, क्या आपका मंशा है नहीं मंशा है, नहीं तो आप ही बताइए ना। हाईकोर्ट का अगर लड़ने के लिए फिर से हमको हाईकोर्ट करना पड़ेगा क्या? दीदी सरकार ये चाहती है कि स्टूडेंट हाईकोर्ट करे, इनका बजट बच जाएगा, इनका पैसा बच जाएगा। अभी 3550 अगर शिक्षक को अगर मान लीजिए कि मिनिमम अगर 60,000 तो पेमेंट है ही, वो चाहता है कि इसको हम बचा लें, और पॉलिटिकल साइंस जैसे और जो विषय हैं उनको इसलिए नहीं शामिल करना चाहता है। आप अकेले पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो लगभग वर्तमान समय में 2.25 लाख छात्र हैं,
वो जानती है कि अगर इस विषय को हम लोग शामिल कर देंगे, इस तरीके के विषय को, जितने विषय जो है उन लोग अगर शामिल कर देंगे तो हमको जो है कि बहुत से झबों को मतलब हाल लेना होगा, और वो जो है कि फंड बचाने के लिए, बजट बचाने के लिए ऐसा प्रयास कर रही है। तो मेरा कहना है कि भाई अगर आप फंड बचाने के लिए हैं तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपको फंड बचाना है? जो विधानसभा में कैंटीनें चल रही हैं उनसे आप फंड बचा लीजिए ना, जो फॉर्च्यूनर से फंड बचा लीजिए, वही कह रहे हैं, जो मंत्रियों से जो काला काला स्कॉर्पियो दिया जाता है उससे आप फंड बचा लीजिए ना भैया, आप शिक्षा के क्षेत्र में फंड बचाने का। आपको लगता है कि शिक्षा और हेल्थ को बहुत लाइटली लिया जा रहा है? अगर देखा जाए तो अगर शिक्षा और हेल्थ को लाइटली लिया जाता दीदी, ये मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में ये माना जाता है कि सबसे हायर एजुकेशन PhD होता है, और अगर आप ही बताइए कि कौन सा डिग्री लेकर के हम लेकर के आए जो सरकार हमको नौकरी देगी। फाइनल क्या अपील है सरकार से? सरकार से आपके माध्यम से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग एक पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग किसी तरीके से हमको आंदोलन करने का कोई मकसद नहीं है, हम लोग आराम से उठ करके चले जाएंगे, बस ये नोटिफिकेशन कर दे कि किन किन विषयों को और कितना कितना सीट पर ये कर दे। दीदी ये जो है कि जितने बैठे हुए हैं ये BED के छात्र हैं, आखिर इनका क्या गलती था जो ये BED किए, आखिर इनको क्यों मतलब एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आखिर इन लोग तो ये सोच करके BED किए थे ना कि हम प्लस टू में जाएंगे, PG इसलिए किए थे कि ये प्लस टू में जाएंगे, इनको ये विडम्बना है कि इनको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमको एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए, हमको आप नौकरी देंगे या नहीं देंगे वो मेरे काबिलियत पर तय करेगा, लेकिन आप हमको बैठने का मौका तो दीजिए, हम एग्जाम में तो बैठेंगे जी। तो आपने देखा कि इन लोगों का गुस्सा साफ है, यहाँ पे BED और हाईली एजुकेटेड सारे लोग राजभवन में यहाँ पे रोड पर बैठकर धरना दे रहे, ये वाकई में विडम्बना है कि इतने बड़े डिग्री लेकर, अभी हमने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि डबल नीट निकाल कर बंदा रोड पर बैठा हुआ है और उसके पास नौकरी नहीं है, और नौकरी होती है सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में तो उसे निकाल दिया जाता है, और जहाँ पे शिक्षा मंत्री के पास जब ये लोग जाते हैं, आपने खुद सुना इन्होंने पॉलिटिकल, आप शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, आप समझ सकते हो उस राज्य की विडम्बना क्या हो सकती है, या शिक्षा मंत्री ये पूछे कि पॉलिटिकल साइंस विषय क्या होता है, ये बहुत शर्म की बात होगी। आप समझ सकते हैं कि वो मंत्री क्या रणनीति बनाएगा और क्या नोटिफिकेशन जारी करेगा शिक्षा क्षेत्र में। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे GN भारत के साथ, मैं शिखा सर अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।